हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार आप सभी का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आरआरबी जेई के बारे में फुल डिटेल देखने वाले हैं कि आरआरबी जेई वैकेंसी कब आएगी, उसका सिलेबस क्या है, कब कब वैकेंसी आई है, कब कब उसका क्या पैटर्न्स रहा है, कहाँ हम लोग सेलेक्शन करेंगे, हमारा सारे चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ए टू जेड चीज़ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम एक एक चीज़ का सीक्वेंस ऑफ वैकेंसी का बात करते हैं, सीक्वेंस ऑफ वैकेंसी का बात करते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न्स और सिलेबस का हम लोग इस वीडियो में हम लोग कंटेंट करेंगे। हमारा इसमें रिजल्ट क्या हुआ है इसमें हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर छूट रहा है, बोर्ड सेलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके आरआरबी जेई में। कैसे इंपॉर्टेंट है उसका भी बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हम लोग कोर्स भी ला रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो सारे चीज़ हमने वन बाय वन करके इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस ऑफ वैकेंसी हम लोग देखते हैं कि कब हमारा आरआरबी जेई का वैकेंसी हमारा आया है। ठीक है, और यदि एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए, सीक्वेंस ऑफ वैकेंसी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कब कब वैकेंसी आई है इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो है, मान चलिए हम जो जब से पढ़ा रहे हैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ आपका डिप्लोमा वाले बच्चे का, बीटेक वाले बच्चे का 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 2013 से पढ़ाने के पहले हमारा बहुत बार वैकेंसी आया है, 2010 में वैकेंसी आया है, 2012 में वैकेंसी आया है, 2012 के बाद 2014 में वैकेंसी आया है। देखिए दो दो साल गैप करके दे रहा है, फिर इसके बाद 2015 में भी वैकेंसी आ गया है, 15 में आने के बाद 2018 में वैकेंसी आया। बोलिए कि मेंटेन है, 15 में दे दिया था एक ही साल में, 16 में देना चाहिए था फिर 18 में, लेकिन 18 के बाद अभी देखिए 20 में आना चाहिए था, 20 में भी नहीं आया है। अभी हमारा हो गया 2022 हो गया है। अब देखिए नरेंद्र मोदी आपका पीएमओ पर आपका ट्वीट भी है कि आपका 2022 में सेफ्टी कैटेगरी में, पीछे पीछे वीडियो भी डाला है कि सेफ्टी कैटेगरी में बड़ा वैकेंसी आने वाली है। सेफ्टी कैटेगरी में आपका जूनियर इंजीनियर आती है रेलवे में, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आती है, एएलपी आती है, टेक्नीशियन आती है, जो भी ये सब है सेफ्टी से रिलेटेड पोस्ट है। तो ये जो है से बहुत जल्दी कमिंग सून में सब वैकेंसी है, ये बहुत जल्दी एक साल के अंदर सारे वैकेंसी को लेने का टारगेट है। तो आप इसका यदि तैयारी कर रहे हैं तो सारी डिटेल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा जितना एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने 10 सालों का एक्सपीरियंस जो 10 साल से जूनियर इंजीनियर को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्या रेलवे जेई में क्या अपडेट है, क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन है, सारे चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे को देखिएगा। जो 10 में वैकेंसी है, 12 में वैकेंसी है, इसका बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, कि इसमें जो है से एक ही एग्ज़ाम था, वन एग्ज़ाम था, इसमें भी वन एग्ज़ाम था, इसमें भी वन एग्ज़ाम था, इसमें भी वन एग्ज़ाम था, इसमें टू एग्ज़ाम था, इसमें एग्ज़ाम कितना था, वन एग्ज़ाम, इसमें भी वन एग्ज़ाम, इसमें टू एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न्स का बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न्स में क्या था, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 100 क्वेश्चन, ओनली 100 क्वेश्चन, इसमें कितना, 100 क्वेश्चन, इसमें भी कितना बताइए, इसमें 150 क्वेश्चन आया, और इसमें फिर कितना, दो एग्ज़ाम हो गया, एक को बोला गया CBT 1 और दूसरा जो बोला गया CBT 2। अब इसमें हम बात करते हैं सबका क्वेश्चन पैटर्न। CBT 1 में जो है, CBT 1 जो है से 100 क्वेश्चन का हुआ, जबकि ये जो है से आपका 150 क्वेश्चन का आपका हुआ CBT 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, ये कब का बात करें, 2018 का। अब कमिंग वैकेंसी है 2022 का, तो उसका भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 22 में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, 22 में आपका एग्जाम पैटर्न्स आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड मैं बात करूंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में केवल और केवल टेक्निकल रहता था, टेक्निकल जो जिस ब्रांच से है, इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो इलेक्ट्रिकल से होंगे, मैकेनिकल होंगे तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन होगा, सिविल वाले होंगे तो सिविल से 100 क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन रहता था जेई में भी, साथ ही साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर में भी यही पैटर्न था। मैं पूरा एकदम फ्यूचर 10 साल पहले से मैं रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, इससे पहले से भी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 10 साल बहुत होता है एनालिसिस के लिए, मैं 10 साल से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे था। ये टेक्निकल है, ये भी जो है इसमें भी टेक्निकल ही आपका है, जो भी ब्रांच से होंगे
इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, जो जिस ब्रांच से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सब उसी से, ये बिल्कुल सिमिलर है। ये 150 क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आया। क्या चेंजिंग आया? इसमें जो है 90 क्वेश्चन टेक हुआ और 60 क्वेश्चन जो हुआ से नन टेक हुआ। ये नन टेक में आपका कुछ इन्वायरमेंट था, साथ साथ आपका जीएस था, करंट अफेयर था, कुछ पोर्शंस आपका मैथ रीजनिंग का भी था। इतना हुआ सेक्शन। ये जो हो गया 2015 का एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, और ये हमारा 2015 और 14 में सेम ही था पैटर्न्स, 2015 और 14 में सेम ही था पैटर्न्स, ये दोनों में ऐसा कुछ पैटर्न्स है। इसके पहले जो भी है 10 में 12 में ये हुआ था, इसके पहले जो भी एग्जाम हुआ 8 में 6 में जो भी हुआ है, तो वो सब का पैटर्न्स था 100 क्वेश्चन टेक्निकल। यहाँ पर पैटर्न चेंज किया कि आपका 150 क्वेश्चन हो गया। और ये 14 और 15 के वैकेंसी में भी बड़ा एक चेंजिंग आया। क्या चेंजिंग आया? ये जो एग्ज़ाम था, यहाँ तक जो एग्ज़ाम था, ये जो था ऑफलाइन था, और ये जो एग्ज़ाम हो गया क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया। एग्ज़ाम ऑफलाइन था, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया। और 2018 वाला में तो पूरी तरह से ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो गया। अब 2022 में आपका क्वेश्चन है कि यहाँ ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ऑब्वियसली यार ऑनलाइन ही होगा, अब तो ट्रेंड ही हो गया है। लॉकडाउन से तो इतना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेंडिंग हो गया। हमारा तो कोर्स भी पहले नहीं चलता था यार ऑनलाइन में, अब ऑनलाइन कोर्स भी चलना चालू हो गया, आप पढ़ना ऑनलाइन चालू कर दिए, घर में सब चीज़ अब ऑनलाइन मिल जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी मिल जाता है आपको, वो भी बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है। तो ऑनलाइन, तो अब एग्ज़ाम भी क्या होगा बताइए, 2022 का जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा। इसमें जो क्वेश्चन था 100 जो क्वेश्चन जो था CBT 1 में प्योर नन टेक क्वेश्चन था आपका, नन टेक में सेम था आपका, मैथ था, रीजनिंग था, जीएस था, जीके था, करंट अफेयर था, ये सब पोर्शन पूरा मिला करके आपका था कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन था, ठीक है। जिसमें अकेले जो था मैथ से था 30 क्वेश्चन, जीएस से था 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हो गया, और आपका 25 क्वेश्चन था से रीजनिंग से था, और बाकी ऐसे 15 क्वेश्चन था, ऐसे करके 100 क्वेश्चन था। और इसमें जो 150 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन प्योर टेक है, और 50 क्वेश्चन में जीएस है, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ एनवायरनमेंट है, ये सब मिला करके 150 क्वेश्चन आपका है, जिसमें 100 प्योर ब्रांच पेपर होगा। इसमें से भी कुछ ब्रांचिंग पेपर रहता है, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके इसमें रहता है 50 क्वेश्चन में। तो ये 150 क्वेश्चन है जो 2018 का पैटर्न्स है। अब देखिए पैटर्न्स का बात करें, इससे पहले जो था से क्या 100 क्वेश्चन केवल टेक्निकल, और ये जो है इसमें हम एक चीज़ और बताना भूल गए, ये जो है से इसमें जो है से आपका एक बड़ा खासियत ये था, ये जो 2014 और 15 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सारे ब्रांच का क्वेश्चन कॉमन था। सारे ब्रांच का क्वेश्चन क्या था? कॉमन था। मैं इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, इसमें ऑफलाइन में कम से कम 7-8 बैच बना था मेरे पास, हमारा 7-8 बैच, इसमें हमारा बहुत सारे बैच थे, 40-50 का ही बैच था, लेकिन 7-8 बैच बना था 14-15 में हमारे पास, जिसमें सिलेक्शन भी हुआ था 14 में, लगभग हमारे पास 40 के आसपास रहा, लेकिन 15 में सिलेक्शन थोड़ा सा कम हो गया था, सीट भी कम था। इसमें सिलेक्शन मेरे पास 40 के अप्रोक्स था, इसमें आपका 30 के अप्रोक्स रिजल्ट रहा, लेकिन 2018 में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया, यहाँ 50 प्लस रिजल्ट आपका 2018 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है उसमें केवल ऑफलाइन क्लास चलती थी, ऑनलाइन है। इस बार हमारा टारगेट है 50 प्लस नहीं, 10 और लगा दें कम से कम, ठीक है, ऐसा टारगेट है। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे जो मेरे पास आ पाते थे वही पढ़ पाते थे, लेकिन अब क्या है ऑनलाइन मोड भी है, तो ऑनलाइन मोड है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जो आ सकते हैं ऑफलाइन में आएंगे, ऑनलाइन जो है ऑनलाइन में आएंगे, सेम कोर्स को लाइव कर दिया जाएगा, जो आपका ऑफलाइन में क्लास चल रहा सेम लाइव आपका कर दिया जाएगा, तो और इससे बेहतर क्या है। अब देखिए हमारा 2022 में ये जो वैकेंसी आएगा, अब हमारा क्वेश्चन से उठ रहा है, इसमें केवल सिंगल ब्रांच पूछा जाता था, इसमें ऑल ब्रांच पूछा जाता है, यानी कि सिविल इलेक्ट्रिकल वाले जो है केवल इलेक्ट्रिकल का एग्जाम नहीं देंगे, इसमें इंडिविजुअल था, इसमें क्या था इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल भी पढ़ना होगा, प्लस सी भी पढ़ना होगा, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना होगा, प्लस CS भी पढ़ना होगा, ये सारे ब्रांच पढ़ना होगा, सबको पढ़ना होगा। सिविल वाले भी सब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी सब पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले भी सब पढ़ेंगे, कंप्यूटर वाले भी सब पढ़ेंगे, यानी कि सारे लोग सब पढ़ेंगे। तो बताइए कितना टफ काम है ना, टफ काम। तो ये जो था इसमें भी हम लोग बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराए, उसमें भी रिजल्ट हुआ। 2018 का बात किए तो यहाँ पर फिर पैटर्न चेंज कर दिया, यहाँ जो ये तो नन टेक हुआ सबके लिए कॉमन, और टेक्निकली फिर ब्रांच वाइज कर दिया, इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल, सिविल वाले को सिविल, कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर, यानी इंडिविजुअल पहले था, फिर 2 साल कंबाइन चला, 1 साल ऑफलाइन था, 1 साल ऑफलाइन था, पैटर्न सेम था लेकिन चेंजिंग हुआ। फिर यहाँ चेंजिंग क्या हुआ कि 2 एग्जाम कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन मार्क है 2022,
2022 देखो दो ऑप्शन है, या तो सेम पैटर्न्स हो सकता है या फिर इसमें सिंगल एग्जाम भी हो सकता है, सिंगल भी एग्जाम हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सिंगल एग्जाम होने का। तो सिंगल एग्जाम होगा तो इसी पैटर्न्स पर आपका रहेगा, लेकिन क्या होगा सब ब्रांच नहीं पूछेगा आपका, टेक्निकल जो ब्रांच है वो ब्रांच, और प्लस में क्या होगा आपका नॉन टेक्निकल का भी कुछ पोर्शन रहेगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है, या फिर ये पॉसिबिलिटी भी बन रहा है। ठीक है, तभी हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे, हर हाल में आपका टेक्निकल तो रहेगा ही, तो हम लोग टेक्निकल सेक्शन को कवर करेंगे अभी। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे तो अभी जो भी स्टार्ट होगा। रिजल्ट का बात करें तो रिजल्ट आपको बताया ही हम लोग कि 2000 अब बात करें 14 में लगभग 40 प्लस रिजल्ट दिए, और इसमें 15 में 30 प्लस रिजल्ट हुआ, 2018 में आपका 50 प्लस रिजल्ट दिए डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में। अब हमारा ये रिजल्ट जो डिपेंड करता है आपका पढ़ाई पर भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ हम लोग जो एनालिसिस करके देते हैं उस पर भी निर्भर करता है। एनालिसिस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जो मान लीजिए कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में एक 92 नंबर लाने वाला ज्वाइन कर लिया है, और एक आपका 92 लाने वाला ज्वाइन नहीं किया है, एक आपका 85 लाने वाला भी ज्वाइन कर लिया है, जबकि 92 वाला का सिलेक्शन नॉट सेलेक्टेड है, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है ये जॉब में ज्वाइन कर लिया है। ऐसा क्यों? कम लाने वाला भी ज्वाइन कर लिया है, ज़्यादा लाने वाला बैठा हुआ है। इसमें जो है से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड सेलेक्शन। तो हम लोग सारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसको हम लोग बोर्ड सेलेक्शन का भी आइडिया बहुत भरपूर मात्रा में देते हैं। तो बोर्ड सेलेक्शन का अगर हम बात करेंगे तो रेलवे में खास करके ये बोर्ड सेलेक्शन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़ा सा हम टिप्स देते हैं, ऐसे बच्चे को फुल डिटेल देते हैं, और हम लोग फोर्सली करके भी भरवाते हैं कि इस बोर्ड में भरिएगा तो आपका कम कटअप जाएगा। हम लोग आइडिया हो जाता है भाई कहाँ पर कम कटअप जाएगा। तो चलिए देखिए हमारा ये जो बोर्ड सेलेक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी रहेगा, तो ज़्यादा वैकेंसी रहेगा तो वहाँ ऑब्वियसली कि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा आम रहेगा तो वहाँ ज़्यादा लोग दौड़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा सीट रहता है वहाँ ज़्यादा पर बच्चे दौड़ते हैं तो वहाँ कट ऑफ एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है। ठीक है, बात समझे, राइज कर जाता है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 2014 वाला बैचेज का बात करूँ, 2014 वाला में गुवाहाटी जो था इसमें सबसे ज़्यादा सीट था, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ, गुवाहाटी। 2015 में सबसे ज़्यादा सीट था सिकंदराबाद में, तो सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा सीट, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ, सिकंदराबाद। 2018 में देख लिए कोलकाता में बहुत सारा सीट था, तो कोलकाता में 92 नंबर लाने वाला सेलेक्टेड नहीं है। यही अगर दूसरा बोर्ड का हम बात करें, दूसरा पटना में 85 नंबर में हो गया है, रांची में 86 नंबर में हो गया है। ठीक है, जबकि 92 नंबर वाला बैठा हुआ है। ये कोलकाता में क्या गया, 2018 में बहुत हैवी कटअप चला गया सबसे ज़्यादा। यानी कि एक चीज़ तो कंक्लूड हो गया कि जहाँ सबसे ज़्यादा सीट है वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे जाएंगे, कटअप सबसे ज़्यादा जाएगा, वो वाला सीट नहीं भरना है। सबसे कम वाला में तो कम वाला में बहुत सेलेक्टेड बच्चे ही भरते हैं, इन बिटवीन मीडियम में आपको भरना चाहिए, तो इन बिटवीन मीडियम में आपको बोर्ड को चूज करना चाहिए कहाँ पर मीडियम सीट है। ठीक है, तो मीडियम सीट में भी दिमाग उसमें लगाना पड़ता है कि भाई कम से कम एक महीना टाइम देता है फॉर्म भरने के लिए, उसमें हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा बोर्ड में कम फॉर्म जा रहा है, तो जो बोर्ड में हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं कम से कम 10 दिन होने दो उसके बाद फॉर्म भरना, इससे आइडिया लग जाता है कौन सा बोर्ड में कितना फॉर्म गया है, तो उस हिसाब से अगर आप फॉर्म भरिएगा तो कम फॉर्म जाएगा और सीट भी एक एवरेज रहेगा तो ऑटोमेटिक ही वहाँ कट ऑफ कम जाएगा। ये सब हम लोग सेलेक्शन के दौरान, ये सब चीज़ों को फॉर्म भरने के दौरान बच्चे को ये सब हम लोग बताते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बोर्ड का सिलेक्शन। जैसे कि अगर हम डेंजर जोन का बात करें तो डेंजर जोन हो गया आपका मुंबई हो गया, बहुत खतरनाक जोन है, इलाहाबाद, अजमेर बोर्ड हो गया, इलाहाबाद हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है से आपका इलाहाबाद हो गया, चेन्नई भी आजकल बहुत हाईलाइट हो गया है, चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ पार कर रहा है, ये सब बोर्ड जो है से आपका हाईलाइटेड बोर्ड है। मुंबई तो बहुत ज़्यादा सीट निकलता बड़ा जोन है, इलाहाबाद ए में फंस जाते हैं, चेन्नई है, ये सब जो है से बड़ा बड़ा बोर्ड है, एरिया वाइज बड़ा है तो सीट ज़्यादा होता है तो बच्चे वहाँ पर ज़्यादा चले जाते हैं, ये देखते नहीं है। तो ये जो है से डेंजर जोन है, तो इस डेंजर जोन में भी नहीं भरना है। हम चाहते हैं आपका सेलेक्शन दिलाना,
तो सिलेक्शन दो चीज़ से होता है, एक आपका पढ़ने से और दूसरा स्मार्टली काम करने से। तो स्मार्टली काम करने के लिए कहाँ सीखिएगा, आप क्लास में ही सीखिएगा। तो सारे चीज़ का हम लोग गाइडलाइन देते हैं बच्चे को, शुरू से लेकर फॉर्म से भरने से लेकर प्रिपरेशन से लेकर के टेस्ट सीरीज से लेकर के एग्जाम से रिलेटेड से दे करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ ही साथ ज्वाइनिंग तक का गाइडलाइन करते हैं सारे बच्चे को, ताकि हमारे बच्चे को कहीं पर कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, ये आप लोग देख लिए एग्जाम। इसके अलावा जो है से हमारा बोर्ड सिलेक्शन भी आप देख ही लिए कि बोर्ड सिलेक्शन हम लोग को कैसे करना है, बोर्ड सिलेक्शन कैसे करना है। अगर बोर्ड आप अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका आधा काम समझिए कि आपका यहीं पर हो गया। तो बोर्ड सिलेक्शन जो है सा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा ये जो जितना भी हम बताएं इस पैटर्न्स पर 2022 में हम लोग टेक्निकल अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए, तो उसका कोर्सेज के बारे में हम बताते हैं कि कैसे हमारा कोर्स उसका डिजाइन हुआ है। ये जो कोर्स जो है 2022 के लिए रेलवे जेई जो है 2022 के लिए आरआरबी जेई 2022 के लिए हमारा बैचेज स्टार्ट हो रही है। 2022 के लिए जो बैचेज स्टार्ट हो रही है ये हमारा 19 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 19 जुलाई 2022 से आपका बैचेज स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट बैच है। हर महीने में हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट बैच है जिसका टाइमिंग आपका 10:30 बजे से 12 PM तक है, 10:30 AM से लेकर 12 PM तक है। 12:30 तक क्लास चल सकता है, 1.5 से 2 घंटा भी फिलहाल क्लास रहेगा, लेकिन कुछ दिन में इसका क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा, एवरेज 3 घंटा का आपको पर डे क्लास चलेगा। अभी फिलहाल 1 सब्जेक्ट का क्लास चलेगा, बाद में 2 सब्जेक्ट हो जाएगा तो 1.5+1.5 3 घंटे का आपका पर डे आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तो 19 जुलाई से स्टार्ट है, टाइमिंग आपका इस तरीके से है। ये दोनों मोड में है, आपका ऑनलाइन मोड है साथ ही साथ ऑफलाइन मोड भी है, तो ऑनलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका ऑफलाइन मोड में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है से ऑनलाइन जो है बैचेज, ये जो है से अभी हमारा ये बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे इसका फ़ी क्या है, इसका ऑफर प्राइस जो है से बहुत ही कम है। ऑफर प्राइस मात्र आपका 4000 रुपया है, ऐसे इस कोर्स का प्राइस जो है से आपका 6000 रुपया है, लेकिन ऑफर प्राइस में आपका ऑनलाइन में भी क्या लाइव बैचेज, ये जो है से आपका लाइव रहेगा, ये लाइव बैचेज जो है से आपका 4000 में है। यही अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल आपका रिकॉर्डेड फॉर्म का, तो रिकॉर्डेड फॉर्म जो होगा टेक्निकल सेक्शन आपका ऑफर प्राइस में 3000 में हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, ऑफर प्राइस 3000 में, लाइव जो है से 4000 में हो जाएगा। तो आपको जो आपको लेना है ऑफर प्राइस में आपका लाइव अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच में आना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑफलाइन बैच का बात करें तो ऑफलाइन बैच में आपका फ़ी है आपका 12200, जिसको 2 इंस्टॉलमेंट में करके दे सकते हैं, 6200+6000 करके दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है से यदि 1 टाइम देते हैं तो आपका 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि आपका 11200। ये हम ऑफलाइन बैचेज का बात कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच के लिए आपको बेस टेक्निकल एकेडमी कुर्जी पटना में आना पड़ेगा, जो कि कुर्जी पुल के पास में है। कहाँ पर है, पटना में कुर्जी पुल के पास में है, तो बेस टेक्निकल एकेडमी कुर्जी पटना आना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा और इन्वायरमेंट फ्री, फुल्ली एसी क्लासरूम आपका होगा, फुल्ली एसी क्लासरूम होगा, गर्मी का एहसास नहीं हो, ठंडा में हीटर का भी व्यवस्था कर देंगे। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्री हो और बच्चे अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर पाएँ और बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो ये ऑफलाइन बैच भी सेम टाइमिंग में स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट ऑफलाइन बैच को ऑनलाइन में आपको लाइव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपका चलेगा। इस कोर्स को आपको कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ये जो है इसका मोबाइल ऐप है, कहाँ ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर में ऐप मिलेगा। तो प्ले स्टोर से क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डालना होगा, तो सब डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा और एज ए स्टूडेंट वहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे में आप सेक्शन देखिएगा, होम होगा, चैट होगा, यहाँ पर एक स्टोर होगा, स्टोर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेस बहुत सारा नाम आ जाएगा, सर्च बाय नेम, ये सर्च बाय नेम आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, आरआरबी जेई। तो ये एक आरआरबी जेई जो है से आपका फाउंडेशन बैच है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। ठीक है,
वो हमारा आरआरबी जेई के लिए मिक्स है आपका। इसके अलावा जो है से एक हमारा लाइव आरआरबी जेई लाइव बैच हो जाएगा। आरआरबी जेई क्या हो जाएगा आपका, लाइव हो जाएगा, ठीक है, लाइव फुल कोर्स। तो लाइव अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो लाइव वाला में ज्वाइन कीजिएगा और फुल कोर्स बिल्कुल मिलेगा आपका, ठीक है। जो भी टेक्निकल सेक्शन है ये हमारा CBT 2 के लिए मेनली हमारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि एक ही एग्जाम हो तो इसी में आपका काम चला जाएगा। तो ये हमारा RRBJEE लाइव फुल कोर्स है आपका, फुल कोर्स है ये, टेक्निकल्स में आपका ऐसा किया जाएगा, क्लियर है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स आपका बिल्कुल आपका मंगलवार से, दिन मंगलवार है 19 जुलाई मंगलवार से आपका ये जो है आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन करना है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है आपका 70 50 40 83 84, या फिर एक और नंबर है हमारा 9097294991। तो इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन लीजिएगा तो आपको इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक है मिल जाएगा इस नंबर पर, कोई भी दिक्कत हो तो। और डायरेक्टली ऐप में सारा चीज़ अवेलेबल है, सिस्टमेटिक वे में सारा चीज़ सब हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ पर सारा सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिस्टमेटिक वे में आपका क्या होगा, क्लास आपका चलते रहेगा। और अगर हमारा बात करें रिजल्ट, तो यहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल ये मानिए कि आपका रिजल्ट होने का संभावना डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और हमारा एक स्लोगन भी है टू विन रेस ज्वाइन बेस, ये हमारा बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ ज्वाइन किए हैं मैक्सिमम लोग सेटल ही कर गए हैं। अभी तक अगर जेई का बात करें तो जेई का हमारा बात करें तो 1100 प्लस जूनियर इंजीनियर हम बना चुके हैं, जिसमें स्पेशली 900 प्लस इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताना वो चाह रहे हैं कि ये जो अभी बैचेज स्टार्ट हो रहा है ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका स्टार्ट हो रहा है। बाकी ब्रांचेज का कुछ दिन में लॉन्च किया जाएगा जो कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के लिए होगा, लेकिन अभी फिलहाल में इलेक्ट्रिकल के लिए बैचेज आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और आपका EEE के बच्चे को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ब्रांच के बच्चे इसमें इनरोल हो सकते हैं। इस RRBJEE कोर्स में फुल कोर्स होगा आपका इलेक्ट्रिकल या EEE के लिए, ठीक है। और अगर ये हमारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहे। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, फेसबुक पर शेयर कर दें और जहाँ जहाँ आप चाहते हैं। एक शेयर आपको हमारा एनर्जी बढ़ा देता है, एक लाइक हमारा एनर्जी बढ़ा देता है। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जितना कीजिएगा उतना हमारा एनर्जी और डबल होते जाएगा और आपके पास हमारा हरदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका सारे एग्जाम से रिलेटेड अच्छा लगेगा। तो आप हमारा और एक और ऐप का जो लिंक है आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली ऐप को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से हम किस एग्ज़ाम का डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, जो एग्ज़ाम्स आपको लगता है जिसका आप तैयारी कर सकते हैं और करना चाह रहे हैं तो उसका चाहते हैं डिटेल, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, तो वहाँ से मैं डिटेल्स आपको हम बताएंगे, क्लियर है। उस फिर से उसको एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि एग्जाम पैटर्न्स, कब कब वैकेंसी आती है, क्या सिलेबस है, कैसे, जैसे इसमें बात की फुल डिटेल उसमें भी बात करें। तो आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।